जैन धर्म कहता है कि चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो, समस्या नहीं समस्या की जड़ को पकड़ो, तब जाके इलाज होगा, नहीं तो इलाज ऊपर ऊपर से होता। अरे इलाज भी नहीं होता। आप कल्पना करो, मुझे पीलिया हो गया और मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर कोई अनाड़ी निकला, और मैं, मुझे भी पता नहीं मुझे क्या हुआ है, तो मैं डॉक्टर से जाके कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब जरा देखना, ये मेरे नाखून पीले हो रहे हैं, मेरी आंखें पीली हो रही है, ये देखना क्या हो गया मुझे। तो वो डॉक्टर कहता है, अच्छा नाखून पीले हुए हैं, मैं तुम्हें लैक्मे कंपनी की नेल पॉलिश लिख रहा हूं, बाजार से ले आना, दिन में 3 बार लगाना। और ये जो आंखों की कह रहे हो ना, सो मैं एक कोहिनूर कंपनी का काजल आता है वो ले आना, और सुबह शाम दोनों टाइम लगाना। ये कौन जवाब दे रहा है? अज्ञानी डॉक्टर। और समझदार डॉक्टर क्या जवाब देता है? अगर उस समझदार डॉक्टर के पास जाओ तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मैंने देख लिया, हाथ नीचे कर लो, मैंने दवाई लिखी है, लीवर में दे देना खाना। उसने, डॉक्टर जानता है कि बीमारी नाखून में नहीं है, बीमारी आंख में नहीं है, आंख में और नाखून में तो उसके सिम्टम आए हैं, बीमारी तो लीवर में हुई है, वहां ठीक करनी पड़ेगी। और जब लीवर ठीक होगा तो ये नाखून का कुछ इलाज अलग से? वो पूछ, मैं पूछ, डॉक्टर साहब इसके लिए तो लिखा ही नहीं, सब लिख दिया जाओ। अरे आंखों के लिए तो लिखा ही नहीं आपने, अरे लिख दिया जाओ। ऐसे ही हमने अनेक नाखून पर नेल पॉलिश लगाई, क्रोध को भगाने की कोशिश की, मान को भगाने की कोशिश की, बाह्य परिग्रह को भगाने की कोशिश की, और जो परिग्रहों का बाप था मिथ्या दर्शन, उसे भगाने की कोशिश। अरे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये बीमारी नहीं है, ये तो बीमारी के सिम्टम्स है।